यहाँ पर रहने वाला आदमी बीमार पड़ जाएगा, मानसिक तौर पर बीमार पड़ जाएगा। इन्होंने ऊपर से पेंट कर करके कंप्लीट करके हमको भेज दिए। आज स्थिति है कि ये पूरी तरह से दीमक लगा हुआ है। ये दीमक वाली सरकार है और ये दीमक जो है हर विभाग में पूरी तरह से लग गई है। ये अंदर से सरकार को इसी तरह से खोखला कर रही है। पक्ष नहीं बल्कि दीमक से परेशान है बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साथ छोड़ा है और राजद के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं, तब से लगातार सत्ता पक्षों या विपक्ष एक दूसरे पर वार और पलटवार करने का एक मौका नहीं छोड़ती है। आए दिन बयानों का पिटारा जो है वो बिहार में खुलता नजर आता है। अब ऐसे में विजय कुमार सिन्हा की एक अलग ही परेशानी सामने आई है। विजय कुमार सिन्हा जो कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो आए दिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर तो हमलावर होते रहते हैं, बिहार की तमाम समस्याओं को लेकर के तो सामने आते ही रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी समस्याओं को सामने रखा है। समस्या ये कि उनके घर में दीमक लग गया है, यानी नेता प्रतिपक्ष को जो आवास आवंटित किया गया है, नेता प्रतिपक्ष जिस आवास में रहते हैं उनके आवास को दीमकों ने चर लिया है। और ये बातें खुद विजय कुमार सिन्हा ने बताई है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बजाबता एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए उनके आवास को, जिस कमरे में वो रहते हैं उस कमरे को किस तरह से ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें दीमक लगा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है और दीमकों ने उनके आवास को चर कर ख़त्म कर दिया है। साथ ही साथ विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के युवाओं को ख़त्म कर रहे हैं दीमक की तरह और दीमक मेरे घर को ख़त्म कर रहा है। क्या कुछ कहना है विजय कुमार सिन्हा का, वो बातों को तो सुनवाएंगे, साथ ही साथ उनके तमाम तस्वीरों को दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से विजय सिन्हा ने अपने आवास की तस्वीरों को दिखाया है, दिखा रहे हैं कि दीमक लगा हुआ है और उसे कैसे ठीक कराने की, मरम्मत करवाने की जरूरत है। इन्होंने ऊपर से पेंट कर करके कंप्लीट करके हमको भेज दिए। आज स्थिति है कि ये पूरी तरह से दीमक लगा हुआ है। ये दीमक वाली सरकार है और ये दीमक जो है हर विभाग में पूरी तरह से लग गई है। ये अंदर से सरकार को इसी तरह से खोखला कर रही है। और सरकार को, मुख्यमंत्री जी को हम बार बार चेता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का किस तरह से दीमक लग करके खोखला कर दिया है। ये बिहार को खोखला कर रहा है। आप सत्ता और कुर्सी के लिए आंख मूंद कर मत बैठिए, सच को देखिए। अब कैसे जिम्मेवारी, एक विपक्ष संवैधानिक पद पर बैठता है, कैसे जिम्मेवारी निर्वहन करे उसकी कार्यालय का। इसी तरह से गाड़ी की व्यवस्था नहीं, ऑफिस की ढंग से व्यवस्था नहीं, और आरोप लगाएंगे कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान को तो आप लोग नाश रहे हैं, दीमक के तरह संविधान को चाट रहे हैं, संवैधानिक संस्था को चाट रहे हैं। बाकी मंत्रियों के बंगले का भी क्या इसी तरीके का हाल है? अब पता नहीं, हमारे बगल में तो भवन निर्माण मंत्री है, करोड़ों करोड़ खर्च किया गया है। एक बार इसको जारी करना चाहिए पब्लिक डोमेन में कि किसके भवन में कितना खर्च हुआ है। और अभी खर्च किए तो साल भर के अंदर, साल पूरा बताइए, ये स्थिति कैसे बनी है, हिम्मत? अरे वो तो भवन विभाग का सेक्रेटरी है कि बेचारे को हम लोग कहे तो वो संज्ञान लेते हैं, यहाँ तो सुनने वाला भी कोई नहीं है। ये तमाशा, ये दीमक की सरकार पूरी बिहार को दीमक के तरह चाटने में लग गई है। न कोई सुनवाई, न कोई कार्रवाई।